वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। एंड हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक बहुत ही यार यूनिक न्यूज के साथ। एंड यार आप लोगों को एक ऐसी न्यूज देता हूँ जिससे आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, और खासकर यार जो लोग ये PUBG वाले टाइम के वो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। वेल ये पोस्ट ऑन स्क्रीन देख करके यार आपको क्या लगता है? वेल नहीं समझ आया, बीच बाय का कोलैबोरेशन एलन वॉकर के साथ एक बार वापस से हमें देखने को मिलने वाला है। मतलब वापस से इन द सेंस, क्योंकि PUBG वर्ल्ड के टाइम पर ये कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला था। वीडियो में आगे बढ़े तो हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी जो हमें देखने को मिल रही है, इट्स हेक्टर गॉब्लिन वर्सेस ओमेगा एंड अक्षत। वेल शुरुआत होती है ओमेगा और हेक्टर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। अब जैसे कि आपको पता है ओमेगा नहीं है, क्या कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? एंड ऑन बिहाफ ऑफ अक्षत ओमेगा ये बोलते हैं, सांपों को चाहे यार 3 साल दूध पिलाओ या 4, रहेंगे तो सांप ही। एंड बेसिकली ओमेगा यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एंड वो बोलते हैं कि यार वो बार बार रिप्लाई नहीं देने वाले, थोड़ा सा वो एक बार फ्री हो जाए वो पूरा मैटर ही सॉल्व कर देंगे। एंड ओमेगा एक लाइन बोलते हैं, आंखों में उंगली मार के दुनिया के सामने इनोसेंट भी तो बनना है। एंड वो अक्षत को टैग करते हुए ये भी बोलते हैं, सही टाइम दलदल से निकल गया। एंड बेसिकली जैसे कि आपको पता है या तो सीजी में अक्षत रह सकते थे या फिर शोगन। देन यहाँ पर ओमेगा ये बोलते हैं, अपेरेंटली अक्षत भाई को बहुत टीम्स मिल जाएंगी पर शोगन को नहीं मिलेगी, उसको एक ही महीना दिया है अभी हमने, उसके साथ बुरा हो जाएगा। एंड यहाँ पर अक्षत ये बोलते हैं, सॉरी भाई वो एक महीना पहले आया है उसके लिए अनफेयर हो जाएगा, 2-3 साल से लेकिन जो साथ है उसके लिए अनफेयर नहीं होगा। एंड जब हेक्टर यहाँ पर लाइव होते हैं तो पहले यहाँ पर वो अक्षत और शोगन वाला मैटर क्लियर करते हैं कि शोगन सीजी में है बट अक्षत को लेकर के क्या सीन हुआ। हमें ऐसा नहीं था कि भाई अगर अक्षत को खिलाना नहीं होता ना तो बीएमपीएस में उसको लेते नहीं पहली चीज, उसको पहले ही मना करते थे। ठीक है, हम तीनों को उसके साथ खेलना था, इसलिए हमने बोला था बीएमपीएस क्या देखेगा, बीएमपीएस हम क्वालिफाई नहीं हुए। ठीक है, बीएमपीएस हम क्वालिफाई नहीं हुए, बीएमपीएस क्वालिफाई नहीं, और ने हमें बोली कि हमें 4-man roster चाहिए, तो तुम डिसाइड करो तुम किसको निकालते। ठीक है, शोगन या अक्षत। अब रही बात अक्षत, हमें था कि बीएमपीएस के बाद हम अक्षत को खिलाएंगे एंड बीएमपीएस के मैचेस के बीच में भी खिलाने वाले थे सेमीज में या उसमें, बट हम वो फेज में ही नहीं आएंगे, उसको खिला पाए हम हक दिए। 1.5 महीने से हम पहला पावर पे काम किए, पावर चला गया, उसके बाद शोगन आया, शोगन पे काम किए। अब बात आई कि या तो शोगन को चूज करो या तो अक्षत को चूज करो। अब हम 1.5 महीना अक्षत को शोगन को दिए। ठीक है, 1.5 महीना हमने शोगन के साथ खेले, शोगन के साथ सब कुछ सही किया है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बहुत बेकार प्लेयर वो है, जज उस बेसिस पे नहीं किया गया कि भाई कौन बेटर है कौन नहीं, बट एक प्लेयर ने 3 महीने का ब्रेक लिया, 3 महीना कॉम्पिटेटिव के सिनेरियो से बाहर था, एंड एक प्लेयर 2 महीना खेला है हमारे साथ, हमने उसको टाइम दिया, हमने उसको हर चीज़ दी वो पेज में। ठीक है, तो टीम डिस्कशन हुआ, टीम डिस्कशन में सबसे पूछा गया, मैंने सबसे पूछा कि तुम बता दो मैनेजमेंट ने ऐसा बोल दिए तो तुम्हें किसको चाहिए टीम डिस्कशन में। ठीक है, टीम डिस्कशन में ये फाइनल हुआ कि एंड हमें नहीं पता हमारा इवेंट आखिरी या नहीं है इसके बाद। ठीक है, हमें नहीं पता, हम आखिरी समझ के खेलते हैं हर इवेंट। तो हमने बोले, नियो ने बोला कि मुझे शोगन क्या जमेगा करिए, क्योंकि अभी वो अच्छा ही कह रहा है, सब कुछ बुरा किया नहीं उसने, तो किस बेसिस से उसको निकालेंगे। ठीक है, नियो ने अपना ओपिनियन दिया, गॉब्लिन ने अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना ओपिनियन दिया, ओपिनियन में आया कि शोगन इन है एंड अक्षत आउट है। अक्षत ने हमें क्लियरली बोल दिया था कि अगर ऐसा कुछ, मैंने अक्षत को एंड मैंने एक से और से बात हुई थी तो मैंने बोला था कि खिला के देखते अक्षत को करके। ठीक है, पहले 10-15 दिन हम खिला के देखने आए थे, 15 दिन अक्षत को 15 दिन शोगन को, एंड उसके बाद बताने वाले थे, बट ऐसा हुआ कि लटका के नहीं रखना था। अक्षत ने हमें बोले लटका के मत रखो, हो पाया तो अभी क्लियर कर दे क्योंकि मुझे लटके नहीं रहने। तो बस मैंने फिर बोला कि लटके आना सीन नहीं करना है, चले हमारा डिसीजन तो ऐसा है ये, तो मैंने उसको फाइनली बता दिया कि ऐसा डिस्कशन है। एंड रही बात उसकी कि शोगन को 2 महीना आया शोगन को उसको नहीं निकाले, 2-3 साल की दोस्ती आ रही, मैंने अक्षत को उसके बाद बिठाया था, ऐसी दोस्ती आ रही हमारी बात हो रही थी, तो मैं उसको ऐसा बोला अक्षत तेरे को तो बहुत टीम्स मिल भी जाएगी यार, तो मतलब मैं उसको पॉजिटिव है, मैं उसको मोटिवेशन के टाइम पर ऐसा मोटिवेट किया था कि तेरे को तो बहुत टीम्स मिल भी जाएगी एंड शोगन अभी निकलेगा तो वो फेस में नहीं है कि उसको कोई अच्छी टीम मिले, कुछ मुझे नहीं पता बट शायद उसको नहीं भी मिलेगा करके, बट इसको तो रीजन मत समझ, रीजन सिर्फ ये है कि हम तीन का डिसीजन था अक्षत यार नहीं खेलने का, बिकॉज 2-3 महीने से कॉम्पिटेटिव का ब्रेक लिया, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इतना अच्छा, हमें ताकि पहला खेल के तो देखे बट वो खेलने वाला फेज ही नहीं आया क्योंकि और ने बोल दिया एक को निकाल दो, सिंपल सी बात है। हमने जो था वो क्लियर कर दिया अक्षत को मुंह पे, जो था शोगन को भी क्लियर कर दिए, मैंने और के साथ भी क्लियर हो गया। अब रही बात अक्षत की ये बोलना कि 2-3 साल से था एंड जो भी था यार भाई तेरे लिए बहुत लोगों ने बुरा भी बोले, तेरे को बिठाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोले, ठीक है ऐसा नहीं था कि नहीं था। एंड अक्षत ने ब्रेक नहीं लिया था, अक्षत ने ये बोला था कि मेरे को घर से खेलना है बीजीएमएस, तो ओमेगा ने उसको क्लियरली मना कर दिया नहीं तो घर से नहीं हो पाएगा, हमें एक प्लेयर को उठा के ट्राई कर दी। जब दोस्ती तुम इतना भाईचारा करते हैं तब कर लेना चाहिए ना, घर से खिला देना चाहिए तेरे को बीजीएमएस, क्या दिक्कत थी, समझ लो। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है गाइस, टीम डिस्कशन हुआ, उसने ब्रेक लिया एंड उसके बाद हमें नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस, हमें नहीं पता था ये एक और इवेंट उसको देंगे तो वर्थ इट होगा नहीं होगा, नहीं पता था,
एंड शोगन के लिए भी अनफेयर है, जितना अनफेयर अक्षत के लिए उतना ही अनफेयर शोगन के लिए। उसको 25-30 दिन हुए आके, उसको सिर्फ 25-30 दिन हुए एंड उस भी इवेंट मिस नहीं कर रहा था मैं। मेन इवेंट मिस हुआ चलेगा, बड़ा अनऑफिशियल नहीं करती, मेरे को पता था कि आगे आगे बात भी हो सकती है। यही बात है, दिखाओ भाईचारा जितना दिखाना है ना, जितना दिखाना है दिखाओ भाई। खुद ही बुराई करते थे एक टाइम पे ओमेगा की, अक्षत भी खुद ही बोलता था मेरे को ओमेगा नहीं खेलना, कंटिन्यू नहीं करना। मैं जानता हूँ अक्षत के लिए बुरा हुआ है, मैं फील भी करता हूँ, आई एम सॉरी अक्षत उसके लिए जो हुआ, बट वो सिचुएशन मैच नहीं करी भाई, हम किसी को खिला पाए, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये बहुत क्लियरली है। उसने जो भी बोला अक्षत के लिए, मैं अक्षत को नहीं बोल रहा कि अक्षत गलत है, अक्षत कुछ वो है, अक्षत सही है, बट उसके आजू बाजू बजने जो टट्टे है ना, वो कुछ ज्यादा ही बचते कभी कभार, ठीक है, मेरे को वो बात पे दिक्कत है। उसके बाद वो जो ओमेगा के मैसेज थे कि यार एक बार आऊंगा लाइव क्लियर कर दूंगा, एंड यार वो बैक स्टैब नहीं करते, एंड ये लोग इनोसेंट बन रहे हैं बट इनोसेंट है नहीं, इन सारी चीजों पर एक कलेक्टिव रिप्लाई देते हुए हेक्टर एक चैलेंज देते हैं यहाँ पर ओमेगा को। वो सीजन बोली हम तो निकालने का सोच रहे, किसी ने नहीं बोली, जो तुम बोल रहे हो कि हम निकाल सकते थे भाई, कुछ नहीं निकाल सकते थे। निकालने के रेड टारगेट सिर्फ दो ही थे, अमित बैन ओमेगा, इन दोनों ऑर्ड में डिफेंड करने वाले हम तीन थे, मैं कॉपलीजन अक्षत बैन शुद, भूल जाते हो सब कुछ, अजीब हो। और अमित भाई का बहुत क्लियर, अमित भाई तुम थे ही नहीं, तुम पूरे सीन में ही नहीं थे, बीजेपी में क्या हुआ, किसके साथ 2 दिन पहले क्या हुआ, क्या बात हुई, तुम्हें ये सब भी नहीं पता जो मैंने अभी बोला स्क्रीन पर, ठीक है, ये सब भी नहीं पता है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि कौन सही है कौन गलत। भाईचारा दिखाना है ना, दिखाओ प्लीज दिखाओ, स्ट्रीम पे आगे मत करो यार, स्ट्रीम पे आगे बकचोदी मत करो। ओमेगा का जो भी है, हमने ना तेरा करियर खाए, हमने ना तेरा कुछ करे, तूने और से भी आके बात किया, और कभी रीजन तुझे पता था उसका, जो हम ना किसी के इन्वॉल्वमेंट में थे ना कुछ थे, तेरे कांड में गुदा है ना, तू ईगो पे बहुत अच्छा खेलता है ना, लोग बोलते हैं तू खेल के दिखा, मैं बोलता हूँ तू कोई भी टीम बना तू खेल के दिखा, तू जीत के दिखा, जीत के ना आंखें बजना। अमित भाई तुम अपनी टीम जिता के दिखाओ, अक्षत तू भी अच्छा खेल, मैं तो यही चाहता हूँ कि तू अच्छा खेले बस, मैं तो बस यही प्रे करता हूँ। एंड अमित भाई तुम भी करो, अगर इतने अपने आपको सेल्फ डिफेंस करना है ना, टीम बनाओ एंड जीत के दिखाओ, मतलब देखते कांड में किसके कूदा है, मैं भी इधर हूँ, मैं भी खेलूंगा, मैं पूरा 100% दूंगा एंड तुम भी जीत के दिखाओ, फिर बात करते हैं, फिर है ना जो करना है ना, जो सॉरी बुलवाना है मैं बोलूंगा, जीत के दिखाओ, इतना ईगो पे लेना है ना, ले ईगो पे इस चीज को एंड जीत, ले ईगो पे, मैं तो बोलता हूँ ले, जीत के दिखा कॉम्पिटिशन में, आके दिखा एंड फिर जीत। जो आके तुम लोग सेल्फ ये करते बैठे हो ना कि ये ऐसा था वैसा, भाई बहुत अच्छे अच्छे चांस गए, ठीक है, मेरे को खेलने के भी एंड बहुत खिलाने के भी, सबको मना किया, तुम लोग के लिए लड़ाओ, चूतिया नहीं हो मैं, टीम के लिए लड़ाओ उधर पे आके, बार बार की नहीं करके खेलने दो, इनको नहीं करके खेलने दो, आके मेरी गांड मार रहे हो, जीत के दिखाओ, अब मैं भी देखता हूँ कैसे जीतते हो, जीतो, बजना है ना तब, छे जीतने के बाद ना, तब जीतने के बाद दोनों टीम आगे बजती, मैं बज नहीं रहा हूँ, मैं खुला स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जीत के दिखाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली दिस, पर यहाँ पर गॉब्लिन भी हेक्टर का स्टैंड लेते हुए नजर आ जाते हैं, एंड गॉब्लिन यहाँ पर ओमेगा को एक्सपोज करते हुए ये बताते हैं कि एक टाइम था जब ओमेगा प्लान कर रहे थे गॉब्लिन को सीजी से निकलवाने का। बैकफायर जो था क्लियरली था, उसके वो दिन 5 बार स्टेटमेंट बदले गए थे, 5 बार, अगर फर्स्ट टाइम वो स्टेटमेंट पे बोल देता ना, मैं अभी भी उससे पूछता, बोल देता कि मुझे बीजेएमएस खेलना है, तो कोच भी वही 4 को खिलाता, मैं नहीं खेलता, मैं इसके बाद जाके अपनी न्यू लाइनअप बनाता, उसने नहीं बोला, उसने बोला कि हाँ मैं खेलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन 4 खेलेगा तो, अगर इसको हेक्टर का कॉन्फिडेंस आ रहा है इन तीनों को तो खिला ले, इसके ये क्लियरली वर्ड थे, पहले पहले वर्ड्स, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पे भाई बदल गया वो, तीसरे पे फिर से हाँ बोल दिया, चौथे पे बदल गया, चूतिया सर्कस चालू इधर पे, समझ रहे हो, तो हमारी गलती है, खुद के स्टेटमेंट बदल रहे हो, खुद के नाम हमारा कैसे आ रहे, मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ बीच में बार बार कि मेरी गलती है, हेक्टर ने टीम तोड़ा, हेक्टर ने, अरे मैं तो था भी नहीं, मैं तो अपना टीम हेक्टर बनाई, खेल रहा हूँ चुपचाप से, लंड फर्क नहीं पड़ता किसी चीज पे। मैं बताता हूं हेक्टर का ऐसा सीन था कि हम लोग का जो तीन टूर्नामेंट हेक्टर नहीं खेला, उसके बाद मेरे को हेक्टर ने बोल दिया था कि मेरे को छोड़ना है भाई, क्योंकि मैं कब तक फिफ्थ बना रहूंगा, ठीक है, फाइनेंशियल वाला कोई सीन नहीं था, हेक्टर को सैलरी बाहर भी मिल जाती, मैं तुमको लिख के दे रहा, आईजेल्स बहुत कम है कम्युनिटी में, तो आई डोंट थिंक उसको सैलरी की प्रॉब्लम होती, तो मैं हाँ, बट हेक्टर तीन टूर्नामेंट बेंच था, 3-4 मैं तो ना रहता भाई, मतलब इफ मेरे में पोटेंशियल है तो अलग बात है, मतलब पोटेंशियल नहीं है तो अलग बात है, बट पोटेंशियल है, 3 टूर्नामेंट बेंच है 4 टूर्नामेंट बेंच है, और दिक्कत किसको ओमेगा को बोलता है इसके साथ नहीं खेलना, क्लियर बोलता है इसके साथ नहीं खेलना भाई, ये आईजीएल है, और ये आईजीएल क्यों बना मैं तुमको बताता हूँ क्यों बना, ओमेगा टूर्नामेंट से पहले 2-2 महीने घर चला जाता था, क्यों आईजीएल बना, और हम लोग मैं नियो अक्षत हेक्टर खेलते थे, तो आईजीएल कौन करेगा, हम चारों असोल्टर के घुस के, ये बात पे तो ना अमित भाई डिनाई करेगा, कोई डिनाई नहीं करेगा, पूछ लो किसी से भी कि हेक्टर आईजीएल करता था, क्योंकि ओमेगा खेलने नहीं आता था, तो जब इसने आईजीएल करा तो ओमेगा को इसको इससे दिक्कत होने लगी कि ये टूर्नामेंट जीत रहा है तो इसको बेंच कर दिया, तो ये सब तो हम लोग नहीं बताते ना भाई टीम पे, क्यों आके बजना होता है, मैं बता रहा हूँ मैं कुछ बना बना आईजीएल नहीं हूँ, मैं बहुत इत्तू से फेस पे हूँ, बट अब बन के दिखाऊंगा, अब मैं भी पे लूंगा मीडिया आईजीएल पे, अब मैं बन के दिखाऊंगा, और मेन थिंग तो हम नियो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसको एक बार चांस देते भाई, छोड़ के आ रहा है भाई, इसने क्लियर बोला कि भाई देखो मेरे को एक चांस दे दो, मतलब इसने नहीं नियो और मैंने कि इसको एक चांस देते कि ट्राई कर लेते, अगर खराब ही गया तो ये छोड़ के चला ही जाएगा, बट बहुत अच्छा खेले हम लोग, तो हमने सोचा कि यार क्यों नहीं भाई, और ओमेगा पूरे टूर्नामेंट आया भी नहीं भाई, लैंड पे आया भी नहीं, खुद बोला था कि इसको चांस दे देते कोई दिक्कत नहीं, आया लैंड पे नहीं आया,
एक महीने के मैं जब छोड़ गया था ना, मैं कभी किसी से आके बोलता कि मैं क्यों छोड़ गया रहो, क्या रहो, मैं क्लियरली अपनी टीम को बोल जाता मेरे पास तीन बंदे है, मैं उनका क्या स्टिक कर रहा हूँ, उनका न्यू लाइनअप बना रहा हूँ, सिंपल सी बात थी। मैंने बीजेएस ही खत्म हुआ था, वो बीजेएस के बाद इनको क्लियरली बोल दिया था मैं, तो मैं तो सीन के आउट था, मेरे को सीन के अंदर लाया गया है, एंड लाया भी कैसा गया है करके सबका तो हुआ, मतलब ऐसा कुछ अनफेयर क्या हुआ इसमें, कुछ ऐसा क्या हुआ कि हार्ट अटैक दे दिए तेरे को इवेंट के एक दिन मैच से पहले, वो जब तू नहीं कैरेक्टर है, ऐसा कुछ हुआ तो गलत भी मानते ऐसे तो नियो के साथ बहुत बार हुआ है। मैं तुमको एक स्टोरी बताऊं, रहने दे भाई इतना नहीं। अबे यार मतलब बहुत चीज यार बताने के लिए, मतलब हम अमित भाई का तो डिफरेंट है, चलो ओमेगा मतलब फालतू में कुछ पॉइंट ही नहीं है, क्या बता ब्रॉडकास्ट में लिख रहा है, कीचड़ से बाहर आ गई है भाई, हमारी फैमिलीज भी है ना तुम्हें फॉलो करती है, मेरे मॉम डैड अभी भी करते हैं, तुम चाहे अलग हो वो तो पॉइंट नहीं है सब चीजें बोलना। देन ओमेगा इस चीज पर रिप्लाई देते हैं, सोल से ऑफर छोड़ के आया था यार, करते हैं सारी बातें, सबर करो, डर क्यों रहे हो, इसका असली सच भी तो पता ही है डीप डाउन, कर लो 5-10 दिन मौज और मस्त सिंपैथी लो, जो करना है सब कुछ करो, 5-10 दिन बाद खूब सारी बातें करेंगे आराम से बैठ करके। एंड इस पूरे मैटर को लेकर के ओजी की तरफ से हमें रिएक्शन देखने को मिलता है कि यहाँ पर सही कौन है। एक्टर की तो मुझे इतनी कुछ गलती नहीं लग रही यार, वो कोई उसके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अगर आके बोल रहे हैं उसको कि हमें के साथ खेलने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो यार देखो उसमें अभी मैं भी अगर कोई एक आइजल हूँ तो मतलब मेरे मैं 5th प्लेयर हूँ, तो वो मुझे अगर मेरे 3 प्लेयर आके बोले कि भाई तेरे अंडर खेलना है, हमें कॉन्फिडेंस तेरे अंडर ज़्यादा आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं बोलूँगा ठीक है हम खेलते हैं ना, अगर टीम जब 3 बंदे बोले तो टीम की भलाई वही हुई, टीम की भलाई के लिए तो ऑब्वियस सी बात है वही बेटर है, क्योंकि 3 मेन बंदे तुम्हारे बोल रहे हैं कि यार अपन तेरे साथ कॉन्फिडेंट रहेगा, अगर हम तेरे साथ खेलेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे हम। एंड कौन सही और कौन गलत वाला सवाल हेक्टर से भी होता है, एंड हेक्टर यहाँ पर ड्यूरिंग हिज लाइव स्ट्रीम इस चीज पर भी बात करते हैं कि यहाँ पर बात सही और गलत की नहीं है, एंड वो क्या कहते हैं वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, कौन गलत कौन सही, मुझे लगता है कोई गलत कोई सही नहीं है, सब अपनी जगह सही है, बट उसको डिफेंड करने की कोशिश मत करो, उसको गलत किसी और को गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश मत करो। बाकी में वीडियो में आगे बढ़े तो हम बात करने वाले टीम सोल की लाइनअप चेंजेस को लेकर के। अब जैसा कि यार रिसेंटली आर्कलिन ने बताया था टीम सोल में भी कोई चेंजेस हो सकते हैं, एंड यप माया भी इस चीज को कंफर्म करते हैं कि टीम सोल के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। हम लोग बहुत टाइम से अब साथ हैं और ये वाला जो फेज है ना, जो मतलब ऑफिशियल टूर्नामेंट क्वालिफाई ना कर जाना, वो भी तब जब ऑलरेडी आप एज पर हो, लाइक 46 या 48 की अगर आप कट ऑफ अज्यूम करके चल रहे थे, जो कि हमने भी करी थी प्रेडिक्ट, हमारा भी कैलकुलेशन इसी के अराउंड था, 50% मैचेस में 40 पॉइंट्स है, लास्ट 50% मैचेस में सिर्फ 4 पॉइंट्स का आना, 2 बार 1v4 हो जाना, तो वहां पर डिसअपॉइंटमेंट का लेवल विद इन द टीम भी काफ़ी ज़्यादा है। व्हाट अबाउट सौमे? सौमे इज अ ट्रेमेंडस टैलेंट, मैं बहुत बैक करता हूँ उसको, मान्या बहुत बैक करता है, हम सबको लगता है कि वो एक बहुत बेहतरीन प्लेयर निकल कर आने वाला है 1 साल के अंदर। ही इज विद अस, वी गोना गिव हिम मोर चांसेस, डेफिनेटली ही डिजर्व इट, एंड बस देखते जाओ बाबू। गाइस देयर इज अ चेंज इन द टीम, कुछ दिन पहले गोल्डी भाई स्ट्रीम पर आए थे, उन्होंने आप लोगों को बोला था कि कोई ऐसा चेंज नहीं है, बट शायद हम तब तक उनको पूरे तरीके से इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे। कीपिंग ऑल द थिंग्स एंड ऑल द एक्सवाइजेड रीजंस एंड ऑल द थिंग्स व्हाट वी हैव डन, keeping all that aside, talking more and thinking more about the team, there is a change required. अब वो क्या चेंज है, क्या replacement है, इसके बारे में आपको कुछ दिनों के अंदर पता चलेगा, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि एक चेंज है, एक से मतलब थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं। वेल मायावी ने तो कोई हिंट नहीं दिया, बट यहाँ पर एक लीक ये निकल करके आ रही है कि स्किप्स हमें सोल ज्वाइन करते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऑल द नो कंफर्मेशन येट, बट इट कुड बी नॉट। बाकी एक चीटर का बैन फाइनली ऑफिशियल तौर पे अब खत्म हो रहा है आज के दिन, 4 सेकंड इज फ्री, यानी कि 5 साल बाद 4 सेकंड का जो बैन था वो आज खत्म हो चुका है, एंड 4 सेकंड अब कोई भी ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्ट ले सकते हैं। बाकी इस पर्टिकुलर में सिर्फ इतना ही, मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, साइनिंग ऑफ।